नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में विकास ना होना और भ्रष्टाचार का बड़े पैमाने पर होना, इन सभी मांगों को लेकर कांग्रेस ने शहर के अग्रसेन चौराहा पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार पर हमला बोला और आम जनता को वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई चरम पर है, उसके बावजूद भी आम आदमी की सुध नहीं ले रही है। ये सरकार निकम्मी है जो आम जनता का खून पी रही है। प्रदर्शन के दौरान अलग अलग वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में किसी ने केंद्र की मोदी सरकार तो किसी ने प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। कुमार सिंह कोतवाली, सरदार और सभी साथियों, भाजपा एक ऐसी सरकार है जो हर वर्ग की उपेक्षित जाति भाइयों, जनजाति भाइयों, पिछड़ा वर्ग के हितों में काम करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस द्वारा आज धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी गलत गतिविधियां हैं उसको इसके मंच के माध्यम से खुलासा करना है।